स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। हे नमस्कार, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। मित्रों, हैप्पी मदर्स डे। यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स ऑफ वर्ल्ड। आज का ये जो वीडियो है दुनिया की सारी माताओं को समर्पित है। वैसे तो कहा जाए तो माताओं का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। हम आप सभी इस बात से परिचित हैं और हम हमेशा अपने माँ के प्रेम, उसके त्याग बलिदान के लिए हमेशा ही उसके ऋणी रहेंगे। इसीलिए हमारे भारतीय ग्रंथों में भी माता के गुणों का, माता के त्याग का हमेशा से वर्णन मिलता रहेगा। तो मित्रों, आज कि इस वीडियो में कुछ रोचक बातें होंगी, माँ से संबंधित कुछ कहानियाँ होंगी जो आपको प्रेरित करेंगी। आज वैसे तो मदर्स डे है, अकॉर्डिंग टू मी एवरी डे इज मदर्स डे। मेरे हिसाब से हर दिन माँ दिवस ही होता है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन माँ दिवस ना हो। क्योंकि संडे होता है तो हमारी छुट्टी होती है, जो जॉब पे होते हैं उनकी छुट्टी होती है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, लेकिन माँ की कभी छुट्टी नहीं होती है। माँ इज़ ऑलवेज ऑन हर ड्यूटी। माँ हमेशा अपने काम पर अड़िक रहती है, अपने कर्तव्य में तत्पर रहती है। ऐसे गुणों की खान माँ के बारे में करते हैं थोड़ा सा बखान। तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। नया है तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माता गुरुतरा भूमे, महाभारत में एक कूट है, वाक्य है माता गुरुतरा भूमे। इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे भारी पृथ्वी है और उस पृथ्वी से भी भारी हमारी माँ है। और रामायण का जो श्लोक था, जननी जन्मभूमि स्वर्ग अदबगिरसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। यानी जितना भी माताओं के बारे में हम गुणगान करें उतना कम है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणह, नास्ति मातृ समा प्रिया। इस श्लोक का समझे, नास्ति मातृ समा छाया, माँ के समान कोई शीतल छाया नहीं है। नास्ति मातृ समागति, और माँ के जैसा कोई सहारा नहीं है। नास्ति मातृ समम त्राणह, और माँ की तरह कोई रक्षक नहीं है। जो बच्चे को अपने रक्षा करती है उससे बड़ा रक्षक दुनिया में कोई नहीं है। नास्ति मातृ समा प्रिया, और संसार में माता से बढ़ करके कोई प्रिय नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि माँ ही है एक संसार में जिसका प्रेम निस्वार्थ होता है अपने बच्चे के लिए। वैसे तो दुनिया की सारी माताएं महान ही हैं, मेरी आपकी सबकी माताएं महान हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से इस संसार में हम हैं, हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, और दुनिया की सारी अच्छी खूबसूरत चीज़ों का हम आनंद ले पा रहे हैं। लेकिन मित्रों, माँ से संबंधित कुछ कहानियाँ हैं। द लॉट ऑफ स्टोरीज, एवरी मदर इज़ ग्रेट, हर माँ महान है। हमें और आपको अपनी माताओं को भरपूर प्रेम देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम हैं वनली एंड वनली बिकॉज ऑफ आवर मदर्स, हम अपनी माताओं की वजह से हैं। नाउ आपको कुछ कहानियाँ बताऊँगा। आज जो विश्व महामारी से परेशान है, कोरोना पैंडेमिक से पूरा संसार, पूरी सृष्टि क्या है, एकदम परेशान है, महामारी के दौर से गुजर रही है। और इस महामारी में, महामारी से बचाने वाला एक टीका आया है। कौन सा? कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, फाइजर है, लॉट ऑफ नेम, बहुत सारे नाम हैं जो वैक्सीन्स महामारी के टीके आए हैं। तो मैं मित्रों बता दूं, ये कहानी महामारी के टीके की 1721 में एक ब्रिटेन माँ थी, नाम था मैरी वॉर्टले मेटुगी, पहली महिला थी। 300 साल 1721 में, अराउंड 300 ईयर्स एगो, लगभग 300 साल पहले मैरी वॉर्टले मेटुगी ने पहले टीके का आविष्कार किया। टर्की गई थी वहाँ राजदूत के साथ, और वहाँ पे देखा, टर्की में उस समय चेचक के बारे में आपने सुना होगा, चेचक वहाँ के लोगों को नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर उन्हें देखा कि यहाँ के लोगों को टर्की में चेचक क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर उन्हें रिसर्च करी, पता चली कि यहाँ पर लोग टीका लगाते हैं। उस समय टीका लगाने का प्रोसेस क्या था, चूँकि मैरी को चेचक हो चुका था, जानलेवा बीमारी थी उस समय, चेहरे पर इनके दाग पड़ गए थे, निशान पड़ गए थे, और मैरी नहीं चाहती थी उनकी बेटी को भी चेचक हो और चेचक के दाग उसकी बेटी के चेहरे पर हो और उनकी बेटी की खूबसूरतता सुंदरता खराब हो। और उसने कहा कि इसलिए मैं
टीका लगाऊंगा अपनी बेटी को। तो टीका लगाने का सिस्टम कैसा था कि किसी शार्प चीज़ से थोड़ा सा घाव कर देते थे और उस घाव पर चेचक का जो पस होता था, जो मवाद होती थी, उसको लगा देते थे। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि ऐसा करने से ब्लड में मिलेगा और खून के अंदर, रक्त के अंदर, शरीर के अंदर उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हालांकि उस समय ऐसा, जब देखा कि मैरी ने अपने बच्चों के ऊपर ये टीका लगवाया है, तो उस समय जो राजा थे उस ब्रिटिश के, उनके परिवार के लोगों को, बच्चों को भी ये टीका लगाया गया। लेकिन क्योंकि असावधानियों की वजह से कई मौतें भी, कुछ दुर्घटनाएं भी, इसलिए मैरी को उस समय हिंसक माने जाने लगा, खराब माने जाने लगा। लेकिन एडवर्ड जेनर ने फिर चेचक के टीके का आविष्कार किया, वैक्सीन का आविष्कार किया, और तब से आज तक हर बड़ी महामारी के लिए कोई ना कोई टीका, बीमारी के लिए टीका आ जाता है, वैक्सीन आ जाती है। तो यहाँ पर ये माँ ही है जिसने टीके का आविष्कार किया, और आज हम उसी माँ की बदौलत, क्योंकि सिस्टम होता है कि किसी चीज़ के बारे में किसी ने पहल की तो हर चीज़ आगे क्या होती है, ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा हो सकता है, तो लोग उस पर वर्क करने लगते हैं। ऐसी दुनिया में बहुत सारी माताएं हैं जिनके प्रयासों से उनके बच्चों ने जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की की। आज मैं एक कहानी छोटी सी शेयर करने वाला हूं नैन्सी एडिसन की, द मदर ऑफ कौन, एडिसन की माँ के बारे में आपने सुना होगा। एडिसन जिन्हें बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, बिजली का आविष्कार किया, हाँ, मैं उसी थॉमस अल्वा एडिसन की मदर नैन्सी एडिसन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कहानी है एक कि एक बार एडिसन चूंकि बचपन से बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, जिज्ञासु टाइप के बच्चे थे, सवाल बहुत पूछते थे, और इस सवाल पूछने की वजह से इनकी क्लास के जो टीचर्स थे बहुत ज़्यादा इनसे चिढ़ जाते थे कि इतने सवाल करते थे, ऊटपटांग सवाल करते थे, बहुत परेशान हो गए। और गुस्से में उन्होंने, एक टीचर ने क्या करा कि एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी इनकी माँ को और एक लिफाफे के अंदर बंद कर दिया कि जाओ एडिसन, घर पे जाना और अपनी माँ को ये लेटर लिख, ये जो लेटर है उसको दे देना। एज इट इज, जैसा एडिसन को स्कूल से बोला गया था वैसा ही एडिसन आए और वैसा ही किया, उन्होंने लिफाफे के अंदर बंद लेटर को अपनी माँ नैन्सी एडिसन को दिया। नैन्सी एडिसन की माँ, यानी सॉरी थॉमस एडिसन की माँ नैन्सी एडिसन ने जैसे उस लेटर को निकाला और पढ़ने लगी, और पढ़ते समय उनकी आँखों में आंसू आ गए, आंसुओं से लथपथ हो गई, आँखों से आंसू निकलने लगे, और थॉमस ने पूछा कि माँ क्या लिखा है इस लेटर में जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तो जो तुम रो रही हो इतना, क्या है ऐसा? तो आंसू पूछते हुए थॉमस की माँ ने, नैन्सी एडिसन ने थॉमस एडिसन से कहा कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका जो बेटा है ना बहुत ज़्यादा होशियार है, इतना होशियार है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं ना उनका पढ़ाने का लेवल स्तर इतना बड़ा नहीं, उसको पढ़ा नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि आप अपने बच्चों को अपने घर पर ही पढ़ाएं। क्योंकि नैन्सी एडिसन स्वयं एक टीचर थी और उन्होंने अपने बच्चे से सच नहीं कहा, एक माँ का विश्वास था कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि नहीं है, मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं है, मैं उसे पढ़ाऊंगी, और घर पर ही थॉमस को माँ ने पढ़ाना शुरू किया। नैन्सी एडिसन ने स्वाध्याय पर, एडिसन को जिस तरह की किताबें अच्छी लगती उस तरह की किताबें लाकर नैन्सी एडिसन थॉमस को देती, और थॉमस पढ़ते और सीखते 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 एक दिन बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। सैकड़ों पेटेंट उनके नाम पर रजिस्टर हो गए, सैकड़ों आविष्कार कर डाले, और कुछ दिनों के चलते उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो एक दिन अचानक पुराने कबर्ड में, पुरानी आलमारी में खोजते खोजते उन्हें एक बॉक्स मिला जिसमें लिखा था लेटर्स, और उसमें से उन्हें वही लेटर मिल गया जो स्कूल की टीचर ने उनकी माँ को दिया हुआ था। लेटर उन्होंने खोला, और लेटर जैसे ही खोला और पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही मंद बुद्धि है, यहाँ क्लास में और बच्चों के लेवल से भी इसका स्तर जो है निम्न है, ये बिल्कुल भी रूड है, ये स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता है, अतः अपने बच्चों को अपने घर पर पढ़ाएं। अब एडिसन की आंखों में बहुत से आंसू थे, पश्चाताप के आंसू थे, खुशी के आंसू थे, और उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए कहा कि मेरी माँ नहीं होती, एक मंद बुद्धि बच्चे को मेरी माँ ने दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, जिसने सैकड़ों पेटेंट अपने नाम करवा लिए, साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, ये माँ का ही आत्मविश्वास है, माँ की ही प्रेरणा है जो एक मंद बुद्धि बच्चे को बहुत बड़ा बुद्धिमान जीनियस बना देती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हजारों अनेकों कहानियां हैं माँ की जो हमें प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए
फोर्स करती हैं, इंस्पायर करती हैं, और हर माँ कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तरक्की के लिए सैक्रिफाइस करती है, बलिदान करती है। तो मित्रों, हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है कि अपनी माँ को कभी दुखी ना करें, कभी उसे किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए आपकी वजह से। ये देखना मेरा और आपका कर्तव्य है, और यही सबसे बड़ा मातृ दिवस का सबसे बड़ा उपहार आपकी माँ के लिए है। तो आज मातृ दिवस है, आपकी माँ के लिए जो भी कुछ आप कर सकते हैं, उसके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए जो भी कर सकते हैं, डू टुडे। आज करें और अपनी माँ को प्रसन्नता दे, प्रेम दे, जिसकी वो अधिकारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।